केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर झूठ बोल रही है। केंद्र सरकार देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। ये बात सीपीएम की पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार सीएए, एनपीआर और एनसीआर पर झूठ बोल रही है। सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों, गरीबों व दलितों की नागरिकता खत्म करना चाहती है। नीतीश व उद्धव जैसी भाजपा सरकार की समर्थन 7 राज्यों की सरकारों ने एनपीआर को लागू करने से मना कर दिया है। वामपंथी नागरिकता देने के विरोध में नहीं है, बल्कि देश को धर्म के आधार पर बांटने का जो प्रयास है वे गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार सीएए, एनपीआर व एनसीआर पर झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि सीएए को लागू कर केंद्र सरकार देश के संविधान को खत्म करना चाहती है। सुभाषिनी अली ने कहा कि दिल्ली में जो चुनाव नतीजे आए हैं वे स्पष्ट करते हैं कि देश की जनता सीएए के विरोध में है। वामपंथ देश भर में इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे इसका विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है। तीनों चीजों को एक साथ ही देखा जाना चाहिए, सीएए, एनपीआर और एनआरसी। सीए क्या करता है कि हमारे संविधान में एक नई तरह की भावना को लाने की कोशिश करता है। हमारे संविधान में धर्म और नागरिकता का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। सीए पहली बार नागरिकता में धर्म का आधार, एक धर्म को बाहर रख करके लाता है, और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे संविधान पर हमला है, हमारे संविधान की आत्मा पर हमला है। और बहुत सी चीज़ें हैं, तीन देशों के ही से ही आए हुए लोगों का वो जिक्र करता है, बाकी श्रीलंका की बात छूट जाती है, म्यांमार की बात छूट जाती है, नेपाल की बात छूट जाती है, ऐसा क्यों? और एक ही समुदाय को वो बाहर रखते हैं, ऐसा क्यों? कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो सीए को हम मूल रूप से इसलिए हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये हमारे संवैधानिक सोच के बिल्कुल विपरीत है। और हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो आका लोग हैं आरएसएस, उन्होंने कभी भी संविधान को नहीं माना। 1950 में भी कहा कि संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, मनुस्मृति ही हमारा न्याय शास्त्र है। वो संविधान को हटा करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं, हम ये कभी होने नहीं देंगे, हम इसके खिलाफ हैं। अब उस रोशनी में जब हम एनपीआर और एनआरसी को देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न है, आप क्या करना चाहते हैं? आधार कार्ड आपने लागू किए हैं और तमाम पहचान आपने लागू किए हैं, पासपोर्ट लोगों के पास है, आप कहते हैं ये कुछ भी प्रमाण नहीं है नागरिकता का, तो क्या है? कोई आदमी मेरे घर आएगा, मुझसे सवाल पूछेगा, कहते जवाब नहीं देना मत दीजिए, लेकिन अगर वो संतुष्ट नहीं होगा तो मेरे नाम के आगे डी लिख सकता है, डाउटफुल, या कह सकता है कि ये नागरिक नहीं है, हमें पता भी नहीं कि वो क्या लिख के जा रहा है। इसीलिए 12 राज्यों ने कहा हम एनपीआर नहीं कराएंगे, और दो कह रहे हैं कि जो एनपीआर की नई बातें आई हैं हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि इस देश में 1968 तक बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं था, और गरीब लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और माँ बाप का तो बिल्कुल ही पता नहीं है कहाँ पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। तो इस तरह के सवाल ख़ास तौर से गरीब लोगों को, रामविलास पासवान जैसे लोगों को, उन्होंने पब्लिकली कहा है कि मुझे नहीं मालूम मेरे माँ बाप कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे। तो ये जो परेशानियाँ पैदा होंगी लोगों को, ये जो समाज के अंदर अफरा तफरी पैदा होगी, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। इससे कोई समस्या का हल नहीं, नई समस्याओं को पैदा किया जाएगा। मैंने कहा दिल्ली चुनाव में भाजपा की जो हार हुई, बुरी हार हुई, उसका एक तरह से बदला लेने के लिए, और दूसरी तरफ और भी ज़्यादा समाज के अंदर ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए, जिससे उनको ही आज तक फ़ायदा मिलेगा, मिला है और आगे भी मिलेगा। उन्होंने इन दंगों को करवाने में इनका बड़ा हाथ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है। दंगा शुरू होने के बाद, मान लीजिए किसी और ने शुरू किया, दंगा शुरू होने के बाद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, फौज को क्यों नहीं बुलाया गया, उसको नियंत्रित क्यों नहीं किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।